हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त पूजा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फ्यूजन हेल्प जोन। आपको बहुत बहुत थैंक्स मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, इतना पसंद करने के लिए मेरी वीडियोस। अगर आपको आगे भी मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। चलिए, इसके बाद आपका टॉपिक है डिफाइन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है कि कोई किसी से भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। वो अगर रूल्स फुलफिल हो जाते हैं तो इट इज देन इट बिकम्स एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कि आपने कुछ किसी से कम्युनिकेट करना है और वो सामने जो पर्सन है उसको कंप्लीट सेंस उसकी बननी चाहिए, जो भी आप उस मैसेज दे रहे हो, ठीक है, जो भी आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हो रिसीवर को, उसकी कंप्लीट सेंस बननी चाहिए। एक कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए आपके पास, थोड़ा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, आप देख लीजिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। इट हैज़ 7 पॉइंट्स और ये जो 7 पॉइंट्स हैं, आप देखोगे हर पॉइंट सी लेटर से स्टार्ट है। क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट, कर्टियस, इनको हम 7 C's भी बोलते हैं। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, सबसे पहला है क्लियर। क्लियर में क्या है? बी क्लियर अबाउट वॉट यू वॉन्ट टू से। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये कई बार एग्जाम में आया, इवन हर बार आया, प्री बोर्ड्स में आता है, 10th के बोर्ड में भी आता है, कई बार रिपीट हुआ, मतलब इस साल तो रिपीट हुआ ही है कई बार, बहुत सारे एग्जाम्स में, हाफ ईयरली में, प्री बोर्ड में। ठीक है, क्लियर का मतलब है जो आप मैसेज या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं वो क्लियर होनी चाहिए कि आपको कहना क्या है। आपको प्री प्लान करना पड़ेगा इसमें कि व्हाट यू एग्जैक्टली वांट टू से टू द अदर पर्सन। देन कंसाइज, यूज सिंपल वर्ड्स एंड से ओनली व्हाट इज नीडेड। बहुत सिंपल लैंग्वेज आपने यूज़ करनी है, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी है। बहुत सिंपल वर्ड्स, ये नहीं है कि आपने बहुत हाई फाई वोकेबलरी उसमें डाल दिए कि सामने जो पर्सन है उसको समझ ही नहीं आ रहा है व्हाट यू वांट टू से। तो सो यू हैव टू बी वेरी कंसाइज। कंसाइज मीन सिंपल वर्ड्स एंड से ओनली व्हाट इज नीडेड। यू हैव टू कम्युनिकेट इन अ वेरी ब्रीफ मैनर, नॉट लाइक विल कीप ऑन स्पीकिंग एंड स्पीकिंग एंड द अदर पर्सन इज लूजिंग द इंटरेस्ट ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। ठीक है, क्लियर एंड कंसाइज। देन कॉन्क्रीट, यूज़ एग्जैक्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। ये कंसाइज से थोड़ा मिलता है कंक्रीट, इसमें एग्जैक्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको जो बात कहनी है जस्ट पॉइंट टू पॉइंट। नेक्स्ट है आपका करेक्ट, यूज़ करेक्ट स्पेलिंग्स, लैंग्वेज एंड ग्रामर। आपकी लैंग्वेज एंड ग्रामर थोड़ा सा करेक्ट होना चाहिए, देन इट इज़ अ ओनली देन इट बिकम्स एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। इन चीज़ों के लिए आपको पहले प्री प्लान करना पड़ेगा कि क्या क्या ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं एक अच्छा कम्युनिकेशन होने के लिए। देन यू हैव दिस पॉइंट नंबर 5, कोहेरेंट। योर वर्ड शुड मेक सेंस एंड शुड बी रिलेटेड टू द मेन टॉपिक। सपोज आपका कोई टॉपिक है जिस पे आपको कम्युनिकेट करना है या आपने कोई मीटिंग लेनी है, ठीक है, तो एक तो उसकी सेंस बननी चाहिए और वो मेन टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि आप टॉपिक से भटक के कुछ और पढ़ाना शुरू कर दो या बोलना शुरू कर दो, ठीक है। उसके बाद है कंप्लीट, योर मैसेज शुड हैव ऑल द नीडेड इंफॉर्मेशन। आपका जो मैसेज या इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हो उस कम्युनिकेशन के थ्रू रिसीवर को, वो कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं है कि आधी अधूरी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है कर्टियस, बी रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट। जो भी मैसेज या इंफॉर्मेशन आपसे जाएगी वो ट्रू होनी चाहिए, फैक्ट्स पे बेस होनी चाहिए। इमेजिन
दोस्तों आप जल्दी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।